ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवृत्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, रहें सभी निरोग, रहें स्वस्थ, रहें कभी भी किसी के भी हिस्से में जरा भी दुख न आए। उपनिषद के इस श्लोक में सभी के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। हेल्थ इज वेल्थ, अंग्रेजी की यह कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं। स्वास्थ्य ही सबसे अनमोल धन है, सबसे बड़ा सुख है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बीमार हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके एकदम विपरीत, यदि हम स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, निरोग हैं, तो हर अभाव, हर परेशानी से हम जूझ सकते हैं। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। आप स्वस्थ हैं तो आपके मन में, तन में ऊर्जा, जोश, गतिशीलता, चुस्ती और फुर्ती रहेगी। मन में नई कामनाएं, नई उमंग, नई इच्छाएं, नई कल्पनाएं सभी रहेंगी। बीमार तन में मन भी बीमार रहता है। थके तन मन से न कुछ करने की ताकत होती है, न कुछ सोचने की। यही सब देखकर श्री सत्य साई सेवा संस्थान ने आप सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए इस विशाल और भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। आई एम डाइटिशियन गीता वर्योग एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक्स एट मैक्स पीतमपुरा एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर माय व्यूज ऑन हेल्दी डाइट। सो एज वी ऑल नो दैट टू लीड अ वेरी हेल्दी एंड डिजीज फ्री डाइट, नॉलेज ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस टू वन एंड ऑल। राइट फ्रॉम इन्फेंसी, जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक बुजुर्ग होता है, डाइट का बहुत ज़्यादा एक प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव रोल है। तो अगर हमें गुड न्यूट्रिशन की नॉलेज होएगी तो इससे ना सिर्फ हम अपने आप का ख्याल रख पाएंगे, बजाय उसके हम अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख पाएंगे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे हेल्दी नेशन का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कि एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी और हैप्पी ईयर्स हमारी लाइफ में ऐड करने का। श्री सत्य साईं बाबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन बाबा के संदेशों से प्रेरित होकर किया गया है। टू हेल्प द हेल्पलेस इज द ओनली वे टू प्लीज गॉड। असहायों की सहायता से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। बियर ऑल एंड डू नथिंग, हियर ऑल एंड से नथिंग, गिव ऑल एंड टेक नथिंग, सर्व ऑल एंड बी नथिंग। निष्काम कर्म का संदेश लेकर बाबा के अनेक अनुयायी आगे आए हैं और देश विदेश के लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं को देखकर हम सहज ही जान सकते हैं कि इनकी आस्था और इनकी सेवा में कितना बल है। कंटिन्यू सेवा वेर एवर यू आर, सीक चांसेस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। निरंतर सेवा में लगे रहना और दूसरों की सेवा का अवसर ढूंढते रहना इनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर उमेश, कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ पर आए हुए हैं और वे आप लोगों को हृदय रोग के बारे में कुछ बताएंगे। जानकारियाँ लीजिए और इसका लाभ उठाइए। डॉक्टर उमेश, थैंक यू साई राम। मुझे बताया गया है कि हृदय रोग के बारे में कुछ बताया जाए। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे डरावना अगर कोई रोग है जिससे लोग डरते हैं, वो है हृदय रोग। क्योंकि वो छोटी उम्र का मतलब है 60 साल से पहले, 70 साल से पहले लोगों में आती है। हृदय जो है हमारा, वो पूरे शरीर में खून फेंकता है और अगर कोई इसमें खराबी हो जाए तो खून फेंकने में दिक्कत आती है। हृदय
जो कॉमनली हम लोग हृदय रोग बोलते हैं वो है खून की नलियाँ, जो खून की नलियाँ खून को सप्लाई करते हैं, हृदय के अंदर खून आता है और उसको वो शरीर में पंप करता है। पर ये जो पंप हमारा है, इसको भी तो खून चाहिए। उस खून के लिए हम भगवान ने हमने खून की नलियाँ दे रखी हैं, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, दो नलियाँ होती हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लिए, और लेफ्ट की जो नली है वो दो में डिवाइड करती है, इसलिए हम इसको तीन नलियाँ बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल साफ़ होती हैं वो नलियाँ, 10 साल की उम्र में बिल्कुल साफ होती हैं, और उसके बाद में हमारे खान पीन के ऊपर, हमारी एक्टिविटी के ऊपर धीरे धीरे उसमें वो थोड़ा थोड़ा फैट शुरू हो जाता है। सोचिए 10-15-20 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, और फिर हम लोग कुछ करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिगरेट पीते हैं, हम लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं, हम लोग खाने में खूब सारा बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, वज़न की परवाह नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे शरीर निढाल सा हो जाता है, और जब निढाल होता है शरीर तो उसके अंदर जो फैट है वो बढ़ जाता है, और फिर वो फैट धीरे धीरे करके जमा होना शुरू होता है, और 50-55-60 की उम्र में मनुष्य को चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। जब चलता है तो उसे दर्द होता है, कहाँ पर दर्द होता है, सीने के बीच में दर्द होता है। एक कहावत है हम लोगों के मेडिकल साइंस में कि पेन ओवर द हार्ट इज नेवर बिकॉज ऑफ द हार्ट। अगर दर्द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में है तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है, हार्ट का दर्द शरीर के बीच में होता है, और फिर वो शरीर के बीच में शुरू होता है, और फिर वो गर्दन में जाता है, कंधों में जाता है, बाजुओं में जाता है, पीठ में जाता है, और ये चलने फिरने में होता है। शुरुआत इसकी चलने फिरने में होती है। अगर आदमी चला फिरा और दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। उसने लंबी सांस ली दर्द हो गया, इसका मतलब हार्ट का नहीं है। उसने करवट ली दर्द हो गया, इसका मतलब हार्ट का नहीं है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट क्या तकलीफ पैदा करता है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। वो है कि छाती के बीच में वो दर्द होएगा, और वो दर्द चलने फिरने पर होएगा। अगर वो दर्द बैठे बैठे शुरू हो गया और ठीक नहीं हो रहा है तो उसको वो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपका दर्द छाती के बीच में है, गर्दन में है, बाजू में है, पीठ में है, और रात को 2 बजे आप सो रहे हैं, एकदम आँख खुली, ये क्या हो गया, ये दर्द हो रहा है, मनुष्य क्या करता है, ये सोचता है कि मैंने गोभी खा ली, मूली खा ली, उसके कारण दर्द हो गया। ऐसा नहीं होता, मूली तो जिंदगी भर खाते हैं, उस दिन की मूली में क्या खराबी हो गई। मनुष्य हमेशा वो सोचता है जो उसे पसंद है, वो खराब चीज़ों को नहीं सोचता अपने बारे में। इसीलिए अगर वो दर्द बीच में आता है छाती के, उसके बाद पसीना आता है, सांस फूलती है, तो इसका मतलब है दिल का दौरा आने वाला है। तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, ना कि रिश्तेदारों को घर बुलाइए, डॉक्टर को घर बुलाइए। उसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर हम लोग फटाफट अपना इलाज करा लें तो आदमी ठीक हो जाता है। ये तो रही दूसरा रहा कि जो फैट जमा होता है इसको हम लोग कैसे कम करें। फैट कम करने के लिए आपको रोज़ चलना पड़ेगा,
दो किलोमीटर अगर आप चल लें बाबा के आश्रम का एक राउंड लगा लें तो किसी को हार्ट डिजीज नहीं होती। अगर आप दो किलोमीटर चल लें, खाने पीने में ढंग का खाना खाइए, बहुत ज़्यादा उसमें घी की चीज़ें नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं करिए, सिगरेट मत पीजिए, तो वो जमना कम हो जाएगा। कई लोग हैं जिनको 90 साल की उम्र में भी हार्ट की बीमारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ, अपना स्वस्थ ठीक से रखा। ये बच्चों को भी हम लोग का मतलब है मेडिकल साइंस कोशिश कर रहा है कि 2050 तक हम हार्ट डिजीज़ को दुनिया से हटा दें। उसके लिए हम लोगों ने शुरू की है स्पेन में और फिलीपींस में, कुछ बच्चों को लेके उनसे आगे बढ़ रहे हैं, जिनको जंक फूड नहीं खाना, समोसे नहीं खाएंगे, मैक बर्गर नहीं खाएंगे, वो रोज़ घूमने जाएंगे और उनको सिखाया जा रहा है कि ज़िंदगी में ये चीज़ें करिए। तो वो सोच के हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग 2050 तक अगर ज़ीरो नहीं कर देंगे तो कम से कम आधी तो कर ही देंगे हार्ट डिजीज़। और आप सब लोगों को निवेदन है कि सब लोग रोज़ नित्य घूमने जाएं। जिस दिन आपने ज़्यादा खाना खा लिया, आपने ज़्यादा बढ़िया वाला खाना खा लिया, बढ़िया का मतलब वो जो टेंट वाला बना कर आता है शादियों में, वो बढ़िया होता है ना, वो खाना खा लिया, तो आप दो की जगह 3 किलोमीटर चलिए और उसको आप फूंक दीजिए, उसको अंदर जमा मत होने दीजिए और आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी। भगवान साईं का नाम लेंगे तो हार्ट डिजीज होती ही नहीं है। साईं ने एक अपने यहाँ 7-8 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें दुनिया के बड़े सारे लोग आए थे, हमें भी भगवान ने बुलाया था, तो बड़ा अच्छा लगा। सब लोग प्रिवेंशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, कोई बीमारी का इलाज की बात नहीं कर रहा। जो भगवान ने अस्पताल दिया है पुट्टपर्थी में, आप सोच सकते हैं एक ट्रेन भर के लोग आते हैं कैलकटा से हर हफ्ते, ट्रेन भर के इलाज कराने के लिए, वहाँ पर बाईपास, बच्चों का ऑपरेशन, सब कुछ फ्री होता है वहाँ पर। स्टेंट लगना कितनी बड़ी चीज़ है, कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है जो सब कुछ कर सकती है। और साईं ने इतनी बढ़िया चीज़ दी है, हमें उसको याद रखना चाहिए और अपने हार्ट डिजीज़ को दूर रखना चाहिए। जय सारा। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे अभी आपने सुना, तो पहले मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ से कि नाक कान गले का डॉक्टर एक क्यों होता है। क्योंकि तीनों चीज़ें चेहरे पर हैं, एक दूसरे के आसपास हैं और तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। एक ही बीमारी का असर दूसरे अंग पर होता है। जैसे नाक में अगर तकलीफ़ है तो उसका असर कान पे, नीचे इन्फेक्शन जाएगा तो गले पर। इसलिए तीनों का डॉक्टर एक होता है। कभी कभी मरीज़ आता है कि मेरे कान में तकलीफ है, हम कहते हैं नाक देखें, नहीं नहीं नाक तो मेरा ठीक है बिल्कुल। अक्सर देखा जाए तो 80% कान की बीमारियाँ जो कान के अंदर पर्दे के अंदर होती हैं वो नाक या गले से ही जाती हैं। इसलिए नाक कान और गले का एग्जामिनेशन पूरा ज़रूरी है। और इसका असर अगर आप कभी कान में खुजली करें तो आपको खांसी उठती है, क्योंकि उसकी नस एक ही होती है, उसका रिफ्लेक्स होता है तो कफ उठती है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो ये कि कान में लोगों को बड़ा आदत होती है, सुबह नहाए उसके बाद कॉटन बर्डली और कान में सफाई करते हैं। कभी बैठे हैं तो हेयर पिन तो आजकल कम लगती है, नहीं तो गाड़ी की चाबी कान में घुमाने शुरू कर देते हैं। तो कान का जो डिफेंस है उसको आप इंटरफेयर कर रहे हैं, कान में सेल्फ क्लिनजिंग मैकेनिज्म लगा होता है जिससे कान की मैल अपने आप बाहर आ जाती है, जितनी बनती है उतनी बाहर आती है। और उसको आप रोज़ सुबह हैंकी या टॉवल से साफ़ कर सकते हैं। जो लोग कान में कॉटन बर्ड लगाते रहते हैं, कान साफ करने की कोशिश करते हैं, उससे वो उल्टा फैक्स को अंदर धकेल देते हैं, जो कि धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। तो कान को साफ करने की ज़रूरत नहीं है 80% लोगों में। 20% लोगों में कान की मैल या तो ज़्यादा बनती है या हार्ड बनती है, ड्राई बनती है, या कान की नली टेढ़ी है या तंग है, तो उसे मैल अपने आप इकट्ठी होकर अपने आप निकलेगी नहीं और आप खुद निकाल भी नहीं पाएंगे।
तो कान की सफाई किसी चीज़ को कान के अंदर डाल के करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उससे उल्टा आप कान का नुकसान ही करते हैं। एक तो प्रिवेंशन ही है कि कान को छेड़िए मत। एक कहावत हुआ करती थी कि डोंट पुट एनीथिंग इन योर ईयर स्मॉलर देन योर एल्बो, उसका मतलब ये था कि कान में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और ना डालें। नाक के लिए अगर कान बच्चे नाक में अक्सर कुछ डाल लेते हैं, जो भी आया जो भी नाक के अंदर घुस सकता है वो सब डाल सकते हैं। वो डालने का कारण ये नहीं कि बच्चे शरारती हैं या बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि उनकी नाक में इचिंग होती है, खुजली होती है, तो नाक में बच्चा क्या करेगा, उंगली डालेगा या कुछ जो भी मिला उसको डाल लेगा। तो उसका इलाज होना चाहिए कि कान नाक में खुजली क्यों हो रही है, कहीं में एलर्जिक टेंडेंसी होती है, कहीं में जुकाम हल्का फुल्का बना रहता है, तो उसके लिए दिखाना ज़रूरी है। अगर ना दिखाने से उसका इन्फेक्शन कान में चला जाता है। कान अगर बहता रहता है, कान के पर्दे में छेद हो गया, ठीक नहीं कराया, फिर छेद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो पीछे हड्डी में चला गया तो हड्डी गल जाती है, सुनाई में कमी हो जाती है, तो ये सब बातें जो है वो उसका ख्याल रखना चाहिए। गला तो बेचारा वो नीचे पड़ा हुआ है, नाक में इन्फेक्शन हुआ, नाक में पेशेंट को पता ही नहीं है मेरे कुछ है और गला बलगम गले में गिर रही है, गला ख़राब हो गया, कहते नहीं मेरा नाक तो बिल्कुल ठीक है, अभी कारण तो आपके नाक में है गले का। तो नाक का इलाज जैसे कहते हैं नाक बड़ी चीज़ है, नाक ऊँची रहनी चाहिए, नाक ठीक रहनी चाहिए, तो नाक का ख्याल अच्छे से रखा है। दूसरा, आजकल बड़ा शौक है, मोबाइल तो हर के पास है और निकला है डेढ़ दो घंटे तो हम सब लोग बात करते हैं, बड़े की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे तो फिर कह रहे हैं 8-10 घंटे बात करते होंगे। उसे अभी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है कि कितना नुकसान होता है, लेकिन हाँ नुकसान तो होता ही है। तो अगर लगातार यूज़ करें, ये उसी तरह का असर है जैसे एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, वो लगातार शोर के बीच में काम कर रहा है तो उसके कान की सुनाई कम होती है। इस तरह अगर कान में कोई लगातार लगा हुआ है जिसमें ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो उसमें कान की सुनाई कम होगी। कुछ समय तक तो कान की सुनाई आपने एक्सपोज हुए 1-2 घंटे कान की सुनाई थोड़ी कम हुई अगर टेस्ट करा जाए, और 2-4 घंटे में 1-2 दिन में वो नौ सुनाई नॉर्मल हो जाती है। जब बार बार एक्सपोजर होता है तो सुनाई में कमी जो है वो पूरी ज़ीरो लेवल पर नहीं आ पाती, वो कुछ ना कुछ रह जाती है, फिर इकट्ठे इकट्ठे होते होते वो कान की सुनाई में कमी होनी शुरू हो जाती है। जो कान की सुनाई 60-65 साल की उम्र में कम होनी चाहिए वो 40-50 साल में कम हो जाती है या उससे पहले भी। दूसरा, इसके साथ ही लगा हुआ डीजेस, जैसे माइक बिल्कुल सामने है तो मैं कम आवाज़ में बोल रहा हूँ, नहीं तो डीजे बज रहा होता है, सामने खड़े होकर वो डांस कर रहे होते हैं, अगर सीधा एक्सपोज होता है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि कान की सुनाई कम हो जाती है। और मैंने मुझे अभी तक याद है पिछले 4-6 महीने में 2 यंग लड़कियाँ 21-22 साल की आई, कान में अचानक सुनाई कम हो गई, ख़त्म हो गई, कम नहीं हुई, एक कान में ख़त्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी केसेस में कारगर नहीं है, तो कान हमेशा के लिए बहरा हो गया। तो नॉइज़ एक्सपोजर से बचना बहुत ज़रूरी है। हम सड़क के नॉइज़ तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो बस में नहीं है, जाना है तो जाना ही है, लेकिन बाकी जो हम अपने आप कर रहे हैं उनको तो हम कम कर ही सकते हैं। गले में कई लोगों को खराश रहती है, करते रहते हैं, गला साफ करते रहते हैं, या सुबह उठते हैं तो नाक भरी होती है, गले बलगम निकल जाते हैं, तो उसके बाद सारा दिन ठीक रहते हैं वो, तो इसका मतलब जो दिन की बलगम है वो तो पीछे गिर रहे हैं, उसका निकलते जा रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वैसे भी साइनस में और नाक में मिलाकर करीब 1 लीटर लार की तरह के सीक्रेशंस बनते हैं जो साइनस से नाक में जाते हैं, नाक से गले में, उसको हम निकलते रहते हैं। तो इसलिए जब वो 1 का 1.25 लीटर हो जाए या थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, जब तक कि बहुत स्टिकी ना हो जाए, चिपकना ना शुरू हो जाए या गला बंद ना हो जाए, तो उस वो स्थिति आने से पहले उसका इलाज कराना चाहिए। कोई नहीं, ये सुबह सुबह बलगम निकलती है उसके बाद तो सारा दिन ठीक रहता हूँ, सुबह से निकलती है कि रात की बलगम इकट्ठी हुई है, निकली नहीं आपने तो इकट्ठी हो गए, तो दिन में भी निकलती तो है ही, तो उसका इलाज जल्दी कराया जाए, क्योंकि उससे साइनस की तकलीफ, और ये कहा गया कि देखा गया कि ऐसे पेशेंट अगर कंट्रोल में नहीं रहते तो 40% केसेस को 10 साल में अस्थमा बनने के चांसेस रहते हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, अस्थमा की, तो चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसका इलाज जल्दी कराया जाए। कुछ लोगों को शुरुआत कैसे होती है कि मौसमी जुकाम होता है, ये साल में 2 बार बस मौसम बदला और जुकाम हुआ और ठीक हो गया। अगर आप ये सोचें कि 5 साल पहले कितना जुकाम होता था अभी कितना होता है, तो ऐसे मरीजों को ये बीमारी साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, इसे इसका मालूम नहीं पड़ता। पहले साल में 2 बार जुकाम होता था, अभी 4 बार होता है। पहले जुकाम छीके 2-4 आई, 2-4 घंटे में ठीक हो जाता था, अब 3 दिन में ठीक होता है या 10 दिन में ठीक होता है, इसका मतलब बीमारी बढ़ रही है। उस बीमारी को बढ़ने से पहले या अस्थमा की स्टेज तक पहुँचने से पहले उसका इलाज कराना चाहिए। तो इसके प्रिवेंशन में ही आएगा कि आपने उसका इलाज कराया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। बाकी बच्चों के कभी नाक से खून आना एमरजेंसी बन जाती है, नाक से खून तो पेरेंट्स बच्चों को ले ही आते हैं कि नाक में खून आ रहा है, उसका भी कारण कई होता है कि बच्चों को जुकाम बना हुआ है, अंदर की चमड़ी नरम हो गई तो नाक से खून है, कभी घर अपने आप बंद हो गया तो नहीं भी लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे
पेशेंट का इलाज कराना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए कि क्या कारण है उसके नाक में खून आने का। नाक बंद रहना, मुंह से सांस लेना, बच्चों में अक्सर देखा गया कि 2 से 6 साल तक एडिनॉइड्स जो टॉन्सिल की तरह का मास नाक के पीछे होता है वो नाक को बंद कर देता है पीछे से, तो बच्चे मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, फिर खराटे लेना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे रेस्टलेस नींद में सोते हुए रेस्टलेस होते हैं, तब तो पेशेंट्स ले आते हैं। पेरेंट्स अगर सिर्फ मुंह खोल कर बच्चा सो रहा है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कोई नहीं आदत है, इसके पिताजी भी ऐसे मुंह खोल के सोते हैं, कोई 50 साल की या 40 साल की उम्र में सोते हैं, 6 साल में सो रहा है, कोई कारण अलग भी होगा, तो उसे दिखाया जरूर जाए कि क्या कारण है, क्योंकि अगर वो एडिनॉइड्स बने रहते हैं, मान लो बीमारी बड़ी हुई है तो उससे दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, मुंह से सांस लेगा तो फेशियल डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी, कान में इन्फेक्शन होगा, तो ये सब चीज़ें जो है, और कान की सुनाई धीरे धीरे कम होगी जिसका बच्चों को मालूम नहीं पड़ता, कभी तो टीचर बोलते हैं कि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, सुनता ही नहीं है, सुनता क्या, उसको सुनाई देता ही नहीं है तो क्या सुने, क्या ध्यान दे और क्या पढ़े, तो ऐसी चीज़ों को नकारना नहीं चाहिए। और कहने का मुद्दा ये है कि नाक कान गले की जरा सी तकलीफ हो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। शुक्रिया। हल्का सा जैसे गुनगुना कर कोसा करके डाल लेती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। पहली बात तो ये जबकि ये प्रथाएं हैं तभी एनडी के डॉक्टर शायद हुआ नहीं करते थे, पहले जाते थे हमको तो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर या आरएमपी आपके कान की सफाई किया करते थे। आजकल बड़े कम केसेस में हम कान की सफाई करते हैं पानी से, आजकल सक्शन मशीन है उसे साफ़ करते हैं, मैल को नरम करके उसको निकालते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो भी हम साफ़ करने की चेष्टा नहीं करते कि साफ़ करने से नुकसान हो सकता है, कान में इंजरी हो सकती है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर पेशेंट हिल गया तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमारे पास हैं, सक्शन मशीन है, अंडर विजन हम उनको देख के उसको सक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं, कान में तेल दर्द में तेल डालने की जहाँ तक बात है अगर कान में आप सेक कर लेंगे तो भी उससे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जब सेक करते हैं या गर्म तेल डालते हैं तो उससे कान की ब्लड सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो पेन करते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं फॉर द टाइम भी, आपका दर्द जो है उस टाइम के लिए कम हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल की जहाँ तक बात है ये काफ़ी इरिटेंट ऑयल है, मान लो किसी को कान में पहले कभी छेद हुआ, कान के पर्दे में छेद है और वो आपने तेल डाला और वो छेद से कान के मिडल ईयर में चला गया, पर्दे के अंदर चला गया, तो काफ़ी सीवियर रिएक्शन करता है, दर्द तो और बढ़ जाएगा और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इसे तेल डालने की बजाय अगर आप, वैसे मैं लोगों को सलाह देता हूँ जिसमें कान में कभी बहाव की हिस्ट्री ना हो, कभी कान बहा नहीं है और इचिंग होती है तो उसके लिए कोई माइल्ड ऑयल, बेबी जॉनसन ऑयल जैसे आता है, वैसे ट्रेड नेम में मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई माइल्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल काफ़ी इरिटेंट होता है, इवन कोकोनट ऑयल अगर उसको डिप करके कॉटन बड में उसको लगा लेंगे तो आपके कान की खुजली में राहत मिल जाएगी। दर्द के लिए आप कान में कुछ डालने के बजाय आप दर्द की गोली खा लें रात को, अगर दर्द है कहीं जा नहीं सकते सुबह डॉक्टर को दिखाएं और दर्द का कारण का निवारण करें, क्योंकि कान का दर्द जो जरूरी नहीं कान में तकलीफ से हो, अगर आपके दांत में तकलीफ है तो भी कान में दर्द होगा, गले में कुछ ऐसा है, मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल तो गले में अगर कैंसर है उसका दर्द भी कान में होता है, तो उसको निकालें नहीं कि तेल डाला उस टाइम मरा आ गया, हाँ रात के लिए आप गोली खा लें, डालना क्यों। थैंक यू डॉक्टर। आज के इस कैंप में निष्काम सेवा देने के लिए हमारे पास अनेक डॉक्टर उपस्थित हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं, कंसल्टेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। आप लोग अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित डॉक्टर के पास जाएं और उनसे परामर्श लें, चेकअप के पश्चात यदि आवश्यकता होगी तो लैब की भी व्यवस्था है, वहाँ जाकर आप अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। डॉक्टर्स के नाम वहाँ लगे हुए हैं लिस्ट में, आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं, और हेल्थ एजुकेशन पर टाइम टू टाइम आपको अभी बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। हमारे सम्माननीय अतिथिगण यहाँ पधार चुके हैं, मैं श्री जीएल कौल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आएँ। श्री जे चीमा, श्री अंशु प्रकाश जी, डॉक्टर पी एस सहारिया, डॉक्टर कक्कड़, श्री जी एल कौल, श्री कलसी डीपी सेंट्रल, श्री एल एम वी किशोर, डॉक्टर मिस्टर कुमार, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर विपिन सिंघल, डॉक्टर उमेश गुप्ता एंड डॉक्टर अमन पोपली, आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ आएं और आप लोग दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। बृहदारण्यक उपनिषद के इस श्लोक का एक एक शब्द डॉक्टर्स के जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। वे सत्य की निष्ठा तथा अपने ज्ञान के प्रकाश से सामान्य जन के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। आपने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल तथा भारत सरकार के फाइनेंस एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पद पर भी आपासीन रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर रहे श्री अंशु प्रकाश जी को उनके नेतृत्व क्षमता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपने अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी PPP को विकसित किया। वर्तमान में आप प्लानिंग कमीशन द्वारा गठित स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी हैं। श्री अंशु प्रकाश जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं दिल्ली श्री सत्य साई सेवा संस्थान के दिल्ली NCR के प्रेसिडेंट श्री चीमा जी से अनुरोध करूंगी कि फूलों द्वारा वे अंशु प्रकाश जी का स्वागत करें। डॉक्टर इंदु, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो में है, और अब मैं श्री जतिंदर चीमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के विषय में अपना उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करें। श्री जतिंदर चीमा। डॉक्टर सहारिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अंशुल प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स गाज़ियाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉर्थ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेरी वार्म ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन द 90th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ आवर मोस्ट बिलव्ड स्वामी श्री सत्य साई बाबा। द स्पीकर बिफोर मी प्रॉब्ली has not been able to showcase what the mission has done during Swami's own lifetime and what mission is doing now post his Mahasamadhi in Delhi National Capital Region and all across the country. For 85 long years, Sri Satya Sai Baba has served not only the people in this country, but has served people in some 180 countries across the world by setting up an organization that you see yourself today. We are one chapter of the National Order. There are similar chapters all across the globe. And often, people used to, I think media used to talk about him as a miracle man. With some undertone, that statement used to be made by Sri Satya Sai Baba. I actually quite agree with that statement, if you really ask me,
because it is only a miracle man which can turn the hearts of millions of people across the world. It's not what he produced out of nowhere. That's why he was a miracle man. He was a miracle man because he turned the hearts of millions of people across the globe to serve other millions across the globe who were lesser children of God. So he was truly a miracle man, because only a miracle man can turn a human heart. It's a very, very difficult job, brothers and sisters. Two brothers, one brother cannot turn another brother's heart. Mother cannot turn a son's heart. Imagine one person has able to turn, inspire so many people across the globe to provide service to the lesser children of God. So indeed, a tribute to him on his 90th birthday. And this is part of the series of celebrations that have been planned right through the year, 90th birthday year. We have, right from 4th of January this year, we have been having series of these programs in various parts of Delhi. This is one such program. And in each of these programs, we have tried to highlight an important facet of Baba's contribution to humanity. If you ask me what happened in January, in the month of January, we brought forth to the people of Delhi National Capital Region the Sarv Dharam Sambhav. You know, people today talk about unity of faiths. In 1940, Sri Satya Sai Baba talked about unity of faiths. And that was his contribution to the world community. So we had a massive walk in East District of Delhi where religious leaders of 9 different faiths walked hand in hand. These people who probably you will find maybe having conflict with each other in other spheres, but today on that day, on the 18th of January, all of them, all 9 of them from all different faiths walked hand in hand with some 1500 people. To highlight the message that Baba had come to give, that all religions are one. The humanity is one. These are different paths that have been created to achieve the same God. So that was the first program of the year. In the second month, which was the month of February, we got an opportunity to highlight another facet of his divine mission, his divine sojourn, which was that he said that all the religions, all streams of thought, even the atheist, people who do not believe in God, they all believe that there are 5 common human values which are common to all faiths, all thoughts, all ways of life. You know, you may be a religious or a non-religious person, but satya, prem, dharm, ahimsa, jo common hain, thread hain, uske liye Satya Sai Sangathan ne Noida region mein, Great India Place par, ko 4000 log us din, 22 February ko, चले एक वॉक फॉर वैल्यूज़ पे, हिंदुस्तान की सबसे पहली वॉक फॉर वैल्यूज़. और आज हम बाबा का जो थर्ड मेजर कंट्रीब्यूशन टू हिज यू नो टू द वर्ल्ड कम्युनिटी इज़ द मेडिकेयर मिशन दैट ही स्टार्टेड. सो वी आर हाईलाइटिंग थ्रू दिस कैंप टुडे द मेडिकेयर मिशन ऑफ भगवान बाबा. आप सब जानते हैं कि अपने जीवन काल में भगवान बाबा ने 2 भव्य अस्पताल बनाए. उन अस्पतालों में अगर आप जाते हैं, आप देखें कि वहाँ पर हर सुविधा, स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. केवल एक चीज़ उन दोनों अस्पतालों में नहीं है, वो है कि उस दोनों अस्पतालों में कोई फ़ी काउंटर नहीं है. उनमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर एक फ़ी काउंटर नहीं है उन दो अस्पतालों में, क्योंकि भगवान बाबा ने बोला है कि एक इंसान का फ्री विद्या और फ्री वैद्यम, फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर इज़ अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. और जब सबसे पहले पहला अस्पताल उन्होंने स्थापित किया पुट्टपर्ती में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो एक ब्रिटिश डेलीगेशन आया था और उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि ऐसा चैरिटी के बेस के ऊपर अस्पताल शायद 1 साल तक चल पाएगा. आपको ये बात सुनकर बहुत खुशी होगी कि आज 25 साल हो गए हैं उस अस्पताल को और लाखों लोगों का वहाँ पर इलाज हो चुका है, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, न्यूरो का हो, किसी चीज़ का भी हो.
वो इलाज, और 2001 में उन्होंने एक दूसरा भव्य अस्पताल बैंगलोर में शुरू किया जहां पर हार्ट और न्यूरो सर्जरी फ्री होती है। तो अगर आप अभी 9 अप्रैल को सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में एक एग्जीबिशन होने जा रहा है, आप सब आके देखिए, वहां पर हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि कितनी सर्जरीज और कितनी मेडिकल प्रोसीजर्स कुछ 25 सालों में पुट्टपर्ती हॉस्पिटल और पिछले कुछ 15 सालों में बैंगलोर हॉस्पिटल में हुए हैं। उसी श्रृंखला में भगवान बाबा ने 24 अप्रैल 2011 में महासमाधि ली। उनके इंस्पायर्ड जो हम वॉलंटियर्स हैं, हम सब वॉलंटियर्स हैं, प्रेसिडेंट तो एक सिर्फ डेजिग्नेशन होता है, पर दिल से हम सब वॉलंटियर हैं। जो सिखाई और जो पढ़ाई हमने उनके दिव्य चरणों में बैठ के सीखी, आज संगठन देश और विदेश में उसको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रहा है। दुनिया भूल नहीं जाए कि भगवान बाबा गए और ये सब व्यवस्थाएं भी शायद बंद हो गई हैं, वो अस्पताल भी उसी तरह चल रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उसी तरह चल रहे हैं, और संगठन 2011 के बाद उसने बहुत सारे नए मेडिकल इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं एक मोबाइल मेडिकल वैन बाहर पार्क्ड है, दिल्ली संगठन ने 2012 में इसका उद्घाटन, श्री अंशुल प्रकाश जी आए थे सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में कुछ 3 साल पहले इसका उद्घाटन करने के लिए। आपको खुशी होगी कि संगठन इस साल बाबा के 90वें जन्मदिवस पर एक और ऐसी मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने जा रहा है, और ताकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 सालों का अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस मोबाइल मेडिकल केयर से ही कुछ 15 से 16 हज़ार लोगों को अपने स्लम्स और विलेजेस में, कोई एक जगह नहीं जाती है, 8 जगह जाती है पूरे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में, जो स्लम्स हैं, अर्बन स्लम्स हैं, वहाँ पर ये जाकर सेवा देती है। और इसी की श्रृंखला में, इसी को बढ़ाने के लिए एक और इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हम भगवान बाबा के दिशाए हुए मार्ग पर चलते रहें, और जिस तरह उन्होंने हमें इंस्पायर किया है सेवा करने के लिए, वो सेवा हम करते रहें। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कुछ 2-3 इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने अपना नेतृत्व दिया है उसमें, पर भगवान बाबा ने कुछ 40 साल पहले जब सत्य साई संगठन का गठन किया था, उस समय जब गाँव में कार्यक्रम शुरू करने के लिए बोला गया तो उन्होंने बोला, सबसे पहले जब गाँव में जाओ तो उनकी पहले घरों की नालियों की, सड़कों की सफाई करिए। तो स्वच्छ भारत कैंपेन सत्य साई संगठन के लिए कुछ 40 साल पहले ही शुरू हो चुका था, और पर हम खुश हैं कि सरकार ने अब इसको रिकग्नाइज़ किया है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और इसलिए इसको हाईलाइट किया है, और अच्छा है कि टॉप लीडरशिप उसको लेके जा रही है उस कैंपेन को आगे। एक और नेतृत्व दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन का, वो कुछ हरियाणा में कुछ महीने पहले उसका उद्घाटन किया गया है। मैं ये भी बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि रूरल आंध्र प्रदेश में जब 1960 में कोई कॉलेज नहीं था, और आज तो सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है और बहुत सारे उसके कैंपस हैं जहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं फ्री, सबसे पहले बिफोर ही सेट अप अ बॉयज़ कॉलेज बनाने से पहले या कोई यूनिवर्सिटी की संस्था बनाने से पहले, अनंतपुर में भगवान बाबा ने 1960s में एक विमेंस कॉलेज शुरू किया था। उनका उद्देश्य क्या था कि अगर घर की बच्ची, घर की गृहिणी पढ़ जाए तो सारा घर सुधर जाएगा। ये भी अच्छा नेतृत्व भगवान अपना सरकार ने लिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो देश उन्नति करेगा। आप सबको
बहुत बहुत बधाई हो. दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग सेल्फलेस सर्विस. हम कोई एनजीओ नहीं है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं और प्योरली सर्विस ओरिएंटेड है. क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है कि अगर हम सेवा करने जाएं, क्योंकि भाव जो सेवा का है संगठन का, वो ये नहीं है कि हम किसी के उद्धार करने जा रहे हैं. कि आज का मेडिकल कैंप हो रहा है तो सत्य साई संगठन और उसके वॉलंटियर आज ये कार्यक्रम का आयोजन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर उधार कर रहे हैं. हम आपका उधार नहीं कर रहे हैं, आपका हम धन्यवाद कर रहे हैं. हम आप सब लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने हमें मौका दिया आज ये सेवा करने का. और इस उद्देश्य से सत्संग संगठन चलता है. हम उधार से कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, हम सेवा भाव से कार्यक्रम करते हैं. और जिसकी सेवा करते हैं उसका हम धन्यवाद करते हैं कि आपके कारण हमें आज इस सेवा करने का मौका मिला. द पर्सन हु सर्व्स इज अ पर्सन सर्व्ड. दैट इज व्हाट भगवान बाबा हैज इंस्पायर्ड अस टू डू एंड दैट इट इज विद दैट स्पिरिट दैट वी कंटिन्यू टू डू सर्विस इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री. जय साईं राम. भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित आप वर्ल्ड लंग फाउंडेशन साउथ एशिया के प्रेसिडेंट हैं. आप 1996 से लेकर 2002 तक भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करते रहे हैं. उन्हें अपने कार्य में सफलता भी खूब मिली. उनकी सफलता का ग्राफ 26% से बढ़कर 80% तक बढ़ गया. इस प्रकार टीबी से मरने वालों का प्रतिशत केवल 5% रह गया था. नमस्कार. श्री जितेंद्र चीमा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं सत्य साई सेवा संस्थान के, डॉक्टर सहारिया जो कि इसी संस्था के मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं, श्री कॉल प्रेसिडेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, आज हमारे साथ डॉक्टर जी आर खत्री जिनका परिचय अभी कराया गया, और मंत्रालय में मेरी जो कली हैं डॉक्टर इंदु ग्रेवा जो भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ उपस्थित सभी माननीय व्यक्तिगण, और मुझे ऋचा दीवान जी भी दिख रही हैं, हमारी पुरानी साथी जो कि पहले लोकनायक अस्पताल जो शायद दिल्ली का एक सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है उसकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी, और प्यारे बच्चों, मुझे बच्चे भी यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हैं. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था करीब 2.5 साल पहले तक. अब मैं भारत सरकार में आ गया हूँ और स्वास्थ्य मंत्रालय में ही हूँ, पर इन्होंने मेरी थोड़ी तरक्की करके सेक्रेटरी बना दिया, अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. मैं सत्य साई सेवा संस्थान का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया, और ऐसे एक अच्छे अवसर पे जहाँ हमको प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि संस्था सेवा कर रही है, सर्विस कर रही है, और जन सेवा भी एक ऐसे फील्ड में जो कि स्वस्थ रहने का है, स्वास्थ्य का है, इससे बेहतर शायद कोई जन सेवा का माध्यम नहीं हो सकता. क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से हूँ तो शायद मुझसे कुछ अपेक्षा ये होगी कि मैं कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी बोलूं. तो समय तो ज़्यादा नहीं लूँगा, पर 2-3 मिनट में जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं मैं उनसे कुछ शेयर करना चाहूँगा. जो डिज़ीज़ की प्रोफाइल है, जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसकी जो प्रोफाइल है वो भारत में बदल रही है. पहले कम्युनिकेबल डिज़ीज़
बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत मौतें बहुत डेथ्स उनके कारण होती थी। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब मलेरिया टीबी इस प्रकार की जो कि किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेट हो जाती हैं। अब स्थिति ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी प्रतिशत लगभग 60% है, 60% है और इसमें भी चार मुख्य हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज, कैंसर, डायबिटीज और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये चार एक साथ बल्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पर कम्युनिकेबल डिजीज की परसेंटेज तो कम हो गई पर तभी भी हम देख रहे हैं कि आउटब्रेक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं और काफ़ी खतरनाक डिजीजेस जैसे एबोला का हमने सुना, लकीली एबोला का केस इंडिया में आया नहीं अभी। H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू से गलत बोला जाता है, उसका स्वाइन से कोई संबंध नहीं है, पर H1N1, फिर जो बर्ड फ्लू है H5N1 इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वो है, मर्ज कोरोना वायरस है वो है, इस प्रकार की कई सारी डिजीजेस फिर से इमर्ज कर रही हैं, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीज हम इनको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात डिजीज़ की ये है कि ना तो ये कोई पॉलिटिकल बाउंड्री तक सीमित है, ना किसी स्टेट से, ना राज्य से, ना देश से, ना किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से सीमित है। और जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ रहा है, तो ये डिजीज़ भी कहीं शुरू होती है कहीं पहुंच जाती हैं, तो कोई भी इनसे बचा नहीं है। और कुछ डिजीज़ हैं जो कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बेमौसम की बारिश हो रही है, जहां कभी ठंड नहीं पड़ती थी वहां पे ठंड पड़ने लगती है, जहां कहीं बर्फ़ नहीं होती थी बर्फ़ पड़ने लग रही है, इससे भी कई डिजीज़ जो हैं फिर से उत्पन्न हो रही हैं, फिर से आ रही हैं जो कि पहले अननोन थी। पर NCDs जो हैं खासकर ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और इनसे बचाव किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री में तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा जो कैंप आज लगाया गया, इससे जो हेल्थ की अवेयरनेस है बढ़ेगी और कई लोग जो वैशाली में यहाँ रहते हैं, आसपास रहते हैं, हॉस्पिटल जाने में एक इनर्शिया होता है, जाना नहीं चाहते, कई कारण है, एक डर भी होता है, डॉक्टर को देख के डर लगने लगता है, डॉक्टर का सोच के डर लगने लगता है और हॉस्पिटल्स का माहौल भी इतना अच्छा नहीं होता कि हम खुद जाना चाहें। तो ऐसे कैंप से अगर हम अपना चेकअप कराते हैं तो अगर कोई बीमारी जो कि है या जो शुरुआत है या जो शुरू हो सकती है उसका पता चलता है तो हम इन टाइम समय से बचाव का कार्य कर सकते हैं। और अगर बीमारी शुरू भी हो गई तो अर्ली डिटेक्शन से प्रोग्नोसिस क्योर बहुत बेटर होता है। तो मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहिए सत्य सेवा साई संस्थान का कि इस प्रकार का कैंप आप यहाँ लगा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ वैशाली के अंदर जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो वृद्ध लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि पुराने टीचर्स जिन्होंने घर बनाए वो यहाँ पर रह रहे हैं, ऑफकोर्स अब यहाँ बहुत नए लोग भी आ गए हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल करें। और खुद ख्याल कैसे कर सकते हैं, बचाव से। अभी रिसेंटली 2013 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अडॉप्शन किया है जो कि सब 194 नेशंस ने उसको अडॉप्ट किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक एक्शन प्लान और एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंदर अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, BP को कंट्रोल में रखना, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, टोबैको को बिल्कुल मना कर देना, अल्कोहल को एक सीमित मात्रा में और हो सके तो बिल्कुल ना लेना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और मैं इसकी एक कॉपी आपकी संस्था को भी भिजवाऊँगा, क्योंकि आपके अगर 1 मिलियन वॉलंटियर्स हैं
वो वॉलंटियर्स अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो हमारा जो मैसेज है वो देश के कोने कोने तक पहुंच सकता है। तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण मैं वैशाली आ पाया, और मेरी तो मदर यहीं पर रहती है, मेरा तो घर यहाँ है, अपना है वैशाली बिल्कुल, तो मुझे आने का एक मौका मिला और एक अच्छे कार्य के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत welcome to you all. We just have to conclude the function now. And before that, I must express my thanks to you all here. It has been our privilege to have amongst us Sri Anshul Prakashji, Principal Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, for inaugurating the Mega Medical Initiative. In form of free multi-specialty consultation and health education camp for the benefit of mass. Sir, you were kind to launch our medical van in 2012, and we hope to have the next mobile unit for mother and child care in very near future. Thank you very much, sir. It has been an honor to have Dr. Khatri amongst us, who is Padam Shri, and we have another gentleman here by name of Dr. Ganesh Mani, who is the cardiac surgeon, he is Padam Shri. And Dr. Gulshan Khatri, out of his very busy schedule and international commitment to eradicate tuberculosis, and you must have read about him in the newspaper lately, and he has helped us to put up a machine to test the lung function and test the sputum. He has also helped us to put up a Nukkad Natak as well. Our state president, Sri Chimaji, who recognized himself as the first worker for our mission, looks after several other aspects other than Medicare, like Educare, Bal Vikas, Sri Satya Sai VIP program for the villages, human values, promotion and divine activities for the social organization of Delhi and NCR. Sri Kaul has been our district president. Without his initiative, the program would not have seen the light of the day. And what you see around here is his doing for the good and benefit of all. We are thankful to all the district presidents and leaders of all the services for their utmost cooperation along with the Seva Dal. I'm grateful to my group of doctors who had taken time out of their busy schedule on Sunday, the 29th March, to participate in this initiative. Particularly to Dr. Vipin Singhal, Dr. Rashmi Gupta, Dr. Aman Popli, and many others whose names have been already talked about. I'm especially appreciative of people in Vaishali, the president of our housing society, and the residents of this for total support, and particularly to Mrs. Radhika Singh for comparing the program. I'm grateful to Max Hospital and our senior dietitian, Dr. Geeta, who has participated, and the nursing staff for helping us. A team of audiovisual arrangements needs appreciation. We have two camps subsequently, one in Mangolpuri on 17th of May, and another one in Burari on 6th of September, on the same lines as we have it now. Mangolpuri, we will be focusing our attention on Ayurvedic and Homeopathic. And in Burari, we'll have a general medical camp as we have already planned for that. The future of this program has been framed and shall be taken up to Science Center for a specialist consultation on regular basis. The program has already been put up there. And to all the Bhajan centers amounting to be more than 400 to communicate the health message through a newly formed book which is in your hand now. Another mobile band which has been already talked about is to be sanctioned for Delhi and NCR. I'm very personally thankful to all the persons who have given us a chance to serve them as Nishkam Karn and help us to rise to a higher level of consciousness. Sign off.
अभी यहाँ जो पुस्तक रिलीज हुई है उसका नाम है, उसका शीर्षक है सावधानी जानकारी स्वास्थ्य की कुंजी है। ये पुस्तक आप सभी के लिए बहुत नाटक और नाटक के माध्यम से जानकारी। मैं हूं धूम्रपान का दानव और जिसको भी मैं अपनी जकड़ में लेता हूं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मौत ना हो जाए और मेरा प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और तुम मुझे कैसे भूल गए? तुम कौन हो? मैं हूँ टीवी का दानव। मेरे बड़े भैया। ठीक कहा तुमने, जहाँ तुम जाते हो वहाँ अपनी जकड़ बना लेते हो और जब अपनी जकड़ बनाते हो तो उसके बाद वो धीरे 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 मेरे सिकंजे में आने लगता है। और यहाँ बैठा हर इंसान इस बात को जानता है कि जब किसी को टीबी यानी तपेदिक होता है तो फिर क्या होता है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो चलो आज एक और नया शिकार हम ढूंढेंगे, यानी कि लापरवाही इंसान। बिल्कुल, जो धूम्रपान का सेवन करता हो, सिगरेट पीता हो तो वो देखो सामने। हाँ, वहां पर एक शिकार हमारे लिए तैयार हो रहा है। आ जाओ उसे नीचे करते हैं। चलो। लो जी, सुबह सुबह दुकान तो खोल ली, साफ सफाई रह गई। साफ सफाई कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता। और जग्गू अभी तक आया नहीं। अरे जग्गू, ओ जग्गू। हाँ लाला जी, दुकान की सफाई करी? बस करने जा रहा हूँ लाला जी। तो खड़ा क्या है, जल्दी जल्दी काम कर, हाथ चला चल। हाँ लाला जी, जल्दी काम कर। और बोरिया भी सेट करनी है। जी लाला जी। जी लाला जी, नहीं जल्दी कर। ये हिसाब करता रहेगा और भी कुछ करेगा? जा बोरिया सेट कर चल। जी लाला जी। जी लाला जी। जी लाला जी, जल्दी काम कर। चार दिन खांसता रहता है, खांसता रहता है, और कुछ काम ही नहीं है। ओ जग्गू इधर आइयो। हाँ इधर आ। एक बात बता, जब तेरी तबीयत खराब है, चार दिन खांसता रहता है, हैं, हांफता रहता है, जाके दवाई ले ले। जी डॉक्टर, डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा तो पैसे लगेंगे लाला जी। पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। अबे शरीर तो सही रहेगा, जा पहले जा दवाई ले ले, तेरी छुट्टी। जा ठीक है लाला जी, जा चलता हूँ। चार दिन बीमार पड़ा रहता है, अभी अपना काम करूँगी यार। हाय, शरीर में जान नहीं आई। जब तक बीड़ी ना पियूं शरीर में जान नहीं आती है। Oh, my God.
अब चलता हूँ। राधा, ओ राधा जी आई। अरे कहाँ है आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? लाला जी ने बोला तेरी तबीयत खराब है तू घर चले जा, इसलिए आया हूँ। देखिए एक काम करिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, आपको बहुत दिनों से खांसी हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर साहब के पास चलते। एक काम कर अदरक वाली चाय लिया अभी सही हो जाएगी खांसी। अदरक वाली चाय? कितनी बार मैं आपको अदरक वाली चाय पिला चुकी हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप मेरी मानिए, चलिए हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। तुझसे जितना कह रहा हूँ ना उतना सुन, जा अंदर और चाय बना कर ला। जी ठीक है। मुझे समझाएगी डॉक्टर साहब के पास जाना या कहाँ जाना है? एक बीड़ी और पी लेता हूँ सही हो जाएगी। ये क्या खांसी में खून? अजी क्या हो गया, क्या हो गया, आप इतना क्यों खांस रहे हो? राधा खांसी में खून आ रहा है। क्या खांसी में खून? चलिए डॉक्टर साहब के पास चलिए जल्दी से। चल जल्दी चल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे एक महीने से ऊपर हो गया, मुझे एक मेरी जो खांसी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, और देखिए अचानक खांसते खांसते खांसी में खून आने लग गया डॉक्टर साहब। ठीक है तुम घबराओ मत। देखो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर कोई कपड़ा रखो, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा मुझे ये बताओ क्या तुम्हें बुखार भी रहता है? हाँ डॉक्टर साहब, अक्सर रात में जब मैं सोता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है, दिन ब दिन वजन कम होता जा रहा है। काम में मन नहीं लगता? जी डॉक्टर साहब। भूख भी नहीं लगती? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, देखो हमें तुम्हारे बलगम के कुछ नमूने लेने होंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी मैं तभी बता पाऊंगा कि तुम्हें आखिर समस्या क्या है, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। तो एक काम करो, तुम आकर अपने बलगम के नमूने जमा करवा दो और कल आकर रिपोर्ट ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, आओ मेरे साथ। आइए डॉक्टर। भाई आज तो जग्गू को रिपोर्ट के लिए आना था, अभी तक नहीं आया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जग्गू, तुम आ गए? जी। देखो जग्गू तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरअसल तुम्हारी रिपोर्ट में आया है कि तुम्हें तपेदिक यानी टीबी है। तपेदिक? पर डॉक्टर साहब ये बीमारी मुझे कैसे हो सकती है? डॉक्टर साहब ये बीमारी तो आज तक मेरे को किसी खानदान में नहीं हुई, कोई खानदान का सदस्य को ये बीमारी नहीं, तो आखिर मुझे क्यों डॉक्टर साहब? देखो जग्गू घबराओ मत, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दरअसल टीबी है क्या। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि टीबी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जो व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है और किसी भी इंसान को हो सकती है। इस जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब यह जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एकदम से सक्रिय नहीं हो जाता, बल्कि जब हमारा शरीर कमजोर होता है या हम तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं या हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है तो ये सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर पर अपना काबू करने लगता है। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारे खानदान में किसी को ये बीमारी नहीं है, तो एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे खानदान में किसी को ये बीमारी हो तो ही हमें ये होगा, क्योंकि ये कोई खानदानी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ ये छूत की बीमारी जरूर है। देखो टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन जब ये फेफड़ों में होता है तो फिर खांसने छींकने या थूकने से इसका जो जीवाणु है वो हवा में मिल जाता है और आसपास कोई भी व्यक्ति जब इसके संपर्क में आता है तो ये उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही हमें तपेदिक हो जाए, क्योंकि आज भी हमारे देश में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में ये जीवाणु मौजूद है लेकिन उनमें तपेदिक का कोई लक्षण मौजूद नहीं है, कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में उन्हें क्षय रोग होने की कोई संभावना नहीं है, संभावना है, इसलिए जरूरी है कि हम सब सावधानी बरतें। अब मैं यहाँ तुमसे ये पूछना चाहूंगा, क्या तुम बीड़ी सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हो? हाँ डॉक्टर साहब, ये बीड़ी पीते हैं, हम घर में बच्चों के सामने भी बीड़ी पीते हैं, अब बताइए उसके धुएं से बच्चों को नुकसान नहीं होगा क्या? अरे तो तू डॉक्टर साहब के सामने क्यों कह रही है बात, खाली बीड़ी तो पीता हूँ मैं। देखिए आप लोग लड़िए,
और तुम्हारी पत्नी ठीक कह रही है, अगर तुम ये सब बातें मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कैसे कहूंगा। देखो, जैसा कि तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम बीड़ी पीते हो, अक्सर हम लोगों में कई गलतफहमियां होती हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो सिगरेट है वो बीड़ी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सही मायने में बीड़ी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हम 7 सिगरेट पीते हैं और वो जितना बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर करती है उतना ही बुरा प्रभाव अकेली एक बीड़ी करती है। और जो लोग हुक्का पीते हैं, हुक्के का सेवन करते हैं, उनमें भी गलतफहमी रहती है कि हम लोग तंबाकू को पानी से फिल्टर करके अपने शरीर में जब धुआं ले रहे हैं तो इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम आधे से पौन घंटा हुक्का कंटिन्यू पीते हैं तो उस दौरान लगभग 300 सिगरेट हम लोग पी चुके हैं। ये बात हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, जब हम लोग कहीं पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो जितना नुकसान ये हमें कर रही है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान जो हमारे आसपास इंसान खड़ा है जो बीड़ी सिगरेट पीता तक नहीं उन्हें करती है। और जब हम अपने घर में अपने बच्चों के अपने बीवी के आसपास बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो ऐसे में हम उन्हें भविष्य में कई ऐसी बीमारियां दे रहे हैं जिनसे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा। तो इसलिए कभी भी हमें अपने परिवार में या आसपास जब कोई है बीड़ी सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जो तुम्हारी स्थिति है मैं उससे धूम्रपान को जोड़ना चाहूंगा। अब अगर तुमने बीड़ी सिगरेट का सेवन किया तो तुम अपने लिए और ज्यादा खतरा पैदा करोगे, यानी तुम्हारी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। समझे? जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। पर डॉक्टर साहब, इसका इलाज जो है वो कितने टाइम तक चलेगा? देखो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसका इलाज जो है पूरी तरह संभव हो चुका है। दिल्ली के अंदर कई डॉट्स केंद्र हैं जहां पर जाकर तुम टीबी रोग का मुफ्त में इलाज करवा सकते हो, और इसका इलाज जो है वो 6 से 8 महीने तक चलता है, जिसमें रोजाना तुम्हें डॉट्स केंद्र पर जाकर दवाइयां लेनी है। इन दवाइयों को जैसे ही तुम लेना शुरू करोगे तो लगभग 2 महीने के अंदर ही तुम दूसरों को टीबी जो फैलाने में असफल हो जाओगे, यानी तुम्हारे द्वारा किसी दूसरे को टीबी नहीं होगी, ठीक है? और हाँ, कई लोग क्या गलती करते हैं, 2 महीने की दवा ली, उसके बाद उन्हें लगा कि अब मैं ठीक हूं, आगे दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर हमने बीच में छोड़ छोड़ कर दवाइयां ली या फिर दवाई लेना बंद कर दिया तो ये टीबी बिगड़ जाती है और एमडीआर टीबी का रूप ले लेती है। एमडीआर टीबी एक बिगड़ी हुई टीबी होती है जिसका इलाज जो है आसानी से नहीं हो पाता, बल्कि कई तरह की दवाइयां इस पर असर करने में असफल हो जाती है, और ऐसी स्थिति में इंसान की जान और ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। और अगर एमडीआर टीबी में भी थोड़ी सी लापरवाही बरत ली जाए तो फिर ये एक्सडीआर टीबी का रूप ले लेती है और उसके बाद कोई दवा इस पर असर नहीं करती और फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। जी डॉक्टर साहब। और देखिए, आप इनकी पत्नी है, मैं जानता हूं कि पत्नी को पति का पूरा सहयोग करना है, देखभाल करनी है, लेकिन आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आप भी इस रोग से प्रभावित ना हो जाएं, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। तुम्हारा इलाज हम आज से ही शुरू करेंगे और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि तुम समय पर आकर सभी दवाइयां लोगे और कोई कोताही नहीं बरतोगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं समय पर लूंगा, एक टाइम की भी दवाई नहीं छोड़ूंगा अब मैं। ठीक है, तो चलो आज से ही तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि तुम बहुत जल्द ठीक होकर अपने काम पर लौट जाओगे और वैसे ही काम करोगे जैसे पहले किया करते थे, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। आओ मेरे साथ। चलिए। सही कहा डॉक्टर साहब, अगर मैं ऐसी लापरवाही कर दे रहा, बीड़ी सिगरेट पी दे रहा तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? मैंने ठान लिया है, आज के बाद बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो लोग पीते हैं उन लोगों को भी मना करूंगा ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहे और जो उनके आसपास है वो लोग भी सुरक्षित रहे। और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं आप लोग भी धूम्रपान नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं उन्हें भी मना करें, उन्हें भी मना करें। अरे ये क्या कह रहा है भाई, ये तो धूम्रपान का सेवन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो हमारे क्या होगा? अगर ऐसा होने लगा तो हमारे कदम तो उखड़ जाएंगे। बिल्कुल, और हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। तो अब क्या करें? क्या करें, चलो भाग चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सब कुछ जानने के बाद भी अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। तो आप ढूंढते हैं किसी ऐसे इंसान को जो सब कुछ जानने के बाद भी लापरवाह बना हुआ और है। वो
कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा, तो चलो चलो चलकर ढूंढते हैं। आओ बड़े भैया। साथियों, जरूरत है कि हम तंबाकू और बीड़ी सिगरेट से अपना पीछा छुड़ाएं, साथ ही अपने यहाँ पर और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि हम अपने हिंदुस्तान को, अपने देश को स्वस्थ बना सकें, मजबूत बना सकें और विकसित बना सकें। तो इसलिए साथियों, आओ मिलकर हम सब टीबी से मुक्ति पाएंगे। आओ मिलकर हम सब टीबी से मुक्ति पाएंगे और सबको ये समझाएंगे। आओ मिलकर हम बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देशन में ये नुक्कड़ नाटक खेला गया था और इसके प्रेरक रहे हैं डॉक्टर जी आर खत्री। खत्री ने सबसे ज़्यादा काम किया है टीबी के उन्मूलन के लिए, और अब जो सबसे बड़ी बीमारी यहाँ फैल रही है वो है तंबाकू से होने वाली बीमारियाँ। तंबाकू को आपने अभी पढ़ा होगा, दो चार दिन पहले ही कल के पेपर में आया है कि दिल्ली में तंबाकू को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों के हाथ में, सभी के हाथ में पूरा अधिकार है कि आप अच्छी तरह से उनको डांट सके, रोक सके। डॉक्टर खत्री अब आप लोगों को संबोधित करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे इसका रोकथाम किया जा सके। थैंक यू राधिका जी। साथियों, मैं कोई ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ दो तीन चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो टीबी का इलाज ये सच है कि 6 महीने के लिए होता है, पर आपको डॉट सेंटर में सिर्फ 2 महीने जाना होता है डेली। और सेंटर जाना ज़रूरी नहीं, आपका डॉट प्रोवाइडर आपके घर के नज़दीक कोई भी निश्चित हो सकता है। सो दवाइयाँ 100% मुफ्त मिलती हैं, और ये एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दवाइयाँ आला किस्म की हैं। डोंट बी अंडर ए मिथ कि सरकारी दवा घटिया होगी। इस प्रोग्राम में जो भी दवाई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्रूव होके मीट करके तब सरकार में आती है। सिर्फ 2 महीने के लिए आपको डेली नहीं, अल्टरनेट डे जाना है और दवाई लेनी है हेल्थ वर्कर के सामने। दूसरी चीज़ मैं तंबाकू के बारे में कहना चाहूँगा, ख़ास करके ये जो बच्चे बैठे हैं, बच्चों जैसे जैसे तंबाकू, जैसे दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर ने 24 तारीख को च्यूएबल टोबैको बैन किया, तंबाकू कंपनियों की नज़र जो है वो हमारी तरफ नहीं है इस वक्त। तंबाकू कंपनियों की नज़र तुम्हारी तरफ है, वो आपको लेयर कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 5,500 बच्चे 15 साल से कम, 5,500 हिंदुस्तान में रोज नए तरीके से तंबाकू सेवन शुरू कर देते हैं। 15 साल से कम 5,500 बच्चे प्रतिदिन, और उन 41 लाख 15 साल से छोटे बच्चों से जुड़ जाते हैं। तंबाकू कंपनियों का टारगेट आप हैं, आप उनके टारगेट मत बनिए, उससे बाहर जाइएगा। जो मेरे कोलीग्स, मेरे साथी बैठे हैं आगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, लॉ जिसको हम सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट बोलते हैं, पाटपा ब्रीफ में 2003 का ये लॉ है, इसमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 गज के दायरे में सिगरेट तंबाकू बेचना एक कानूनी उल्लंघन है। प्लीज़, हमने हाई कोर्ट में PIL डाला था, 2 साल 1.5 साल तक पुलिस वाले डंडा चलाते रहे उस PIL की वजह से, पर अब फिर ये वापस पड़ रहा है। प्लीज़, अगर कहीं आप देखते हैं, डोंट हेजिटेट, सिर्फ एक कागज़ पे लिख के कंप्लेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे दीजिएगा, 100% एक्शन होगा। नंबर 1। नंबर 2,
नहीं, वो अगर देखते होते तो मुझे और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है उन्हें दिखाना। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल फैमिलियर, कि अगर नहीं तो कानून बन जाता है, अपने आप अमल हो जाना चाहिए कानून पे, नहीं हो रहा, दैट इज वाई यू एंड मी आर रिक्वायर्ड हियर। सेकंड चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक नई चीज अब शुरू हुई है कि सिगरेट की दुकानों पे शेर की फोटो लगी हुई है आजकल, शेर की। दे आर ल्योरिंग द यंग बॉयज कि आप शेर की तरह हो जाएंगे। प्लीज, इट इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ काटपा एक्ट। आप प्लीज मुजबानी कंप्लेंट नहीं करिए, लिख के पुलिस स्टेशन में दीजिए। आई एम श्योर 70% 80% पे एक्शन होगा। अगर आप किसी भी थाने में जाते हैं, आपको बाहर बोर्ड मिला है आज, देर इज नो पुलिस स्टेशन इन दिल्ली जिसके बाहर ये बोर्ड नहीं लगा हुआ कि इट इज अ टोबैको फ्री जोन। आप देखेंगे कि हमारा दिल्ली पुलिस का ये साथ में लोगोज लगे हुए हैं। थर्ड थिंग इज, अगर आप वायलेशन देखते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट, यू विल मेक 10 ऑफ यू विल मेक ए कंप्लेंट, आई अश्योर यू, 5 पे तो एक्शन होगा, 4 पे तो होगा। सो लेट अस नॉट हैव ए डिफीटिस्ट एटीट्यूड कि कुछ नहीं होता है, कानून बनाना काफी नहीं है। अब आई एम ग्रेटफुल कि सतेंद्र जैन को समझ में आई और उन्होंने 23 दिन के अंदर हमारे मिलने के ये बैन ऑर्डर इशू कर दिया। आई मेट हिम ऑन 5th एंड द बैन ऑर्डर वॉज आउट ऑन 24th। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी वॉन्ट मैनी सतेंद्र जैन, इन फैक्ट 1 सतेंद्र जैन इन एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री टू डू द सेम। एंड प्लीज यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल एंड हैव ट्राई टू एनफोर्स यूर राइट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू एनश्योर दैट द लॉज आर। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से ABCDE इन्हीं चीज़ों को, 5 बातों को अगर प्रैक्टिस करें तो काफ़ी कुछ आप इससे हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट इज अवॉइड अल्कोहल। अवॉइड अल्कोहल, आपने सुबह जब इनॉग्रल सेशन चल रहा था उसमें भी इसके बारे में बात की थी कि इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर ही असर नहीं पड़ता, इसके बहुत सारे सोशल कंसिक्वेंसेस भी हैं। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इग्नोर हो जाती हैं इसकी वजह से, और कुछ रिस्क हैं वो जो आपके साथ में रहते हैं। क्योंकि जैसे कि बोलते हैं ना कि ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी है, है ना, आप अपने होश में पूरी तरीके से नहीं रहते हैं, और जो प्रॉब्लम्स उस इंसान को जो अल्कोहल ले रहा वो तो उनको तो होती ही होती है, साथ में जो फैमिली के लोग हैं वो भी बहुत सफ़र करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे आपके कुछ डिस्प्लेज मैंने देखे हैं, इवन जो आपका ये हेल्दी लाइफस्टाइल पे बुकलेट रिलीज़ हुई है इसमें भी काफ़ी मैसेजेस दिए हुए हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन हेल्दी लिविंग में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवॉइड अल्कोहल। बी फिज़िकली एक्टिव, हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है। फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन कितना इफ़ेक्टिव वो है ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे आप सब लोग अडल्ट हैं तो उनके लिए अलग तरीके का व्यायाम होगा और अलग टाइम होगा। जैसे बच्चे हैं जो कि 17 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए समय सीमा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको 1 घंटा आउटडोर गेम खेलना ही चाहिए, मतलब इसमें कि उनका सांस फूलने लगे, हाँफने लगे, डेली 1 घंटा उनकी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो 1 घंटा जरूर खेलें आउटडोर। आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं या घर के अंदर ही खेलते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, सारा दिन घर के अंदर ही खेलते हैं, सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वहीं पर बाहर से ऑर्डर करते हैं और घर में एयर कंडीशन रूम में रह के ही करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही नहीं हैं। तो 1 घंटा आप उनको ज़रूर बाहर भेजें। और जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट हैं, उनको 30 मिनट के लिए
डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके जो करंट है, स्वास्थ्य स्टेटस है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। 30 मिनट से 45 मिनट का समय, और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग सुबह सुबह जाते हैं या शाम को वॉक करने जाते हैं, जब आप लोग वॉक करने जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उस वक्त में हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से मोबाइल पर बात नहीं करनी है। बीच में फ़ोन आ जाता है तो हम वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो उस पे जो आपका रिदम है वो टूट जाता है, वो रिदम है जो चलने का वो लगातार होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप सुबह सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं तो आपके बहुत सारे लोगों से आते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है, फिर आप रुक जाते हैं नमस्कार हेलो हाय करने में, एक दो मिनट के लिए रुक जाते हैं या कुछ सेकंड के लिए ही रुकते हैं, तो वो भी नहीं करना है। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप रेगुलर 30 मिनट वॉक ही करेंगे, बीच में हेलो और हाथ मिलाने के लिए इसके लिए नहीं रुकेंगे, नहीं तो जो आपने जितना भी समय पहले किया ना वो सब बेकार है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। आपको सेटिस्फेक्शन जरूर हो रहा है कि हम डेली ये कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। तो ये मैं इस पर थोड़ा इम्पॉर्ट मतलब बताना चाहती थी कि ये ज़रूरी है जब आप वॉक करते हैं। समय कोई भी हो सकता है, खाना खाने के पहले करना चाहिए, खाना खाने के बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद में हमारा ना मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, तो खाने से पहले करना है। ये हमारा बी है, एंड सी कट डाउन सॉल्ट एंड शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कम से कम लेना है, जैसे चीनी है, शक्कर है और मिठाई है, इन सब में आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो नहीं आपको लेनी है, कम से कम लेनी है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दोनों एक दूसरे की भाई बहने हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन में आपको नमक कम खाना है और डायबिटीज़ में शुगर कम खानी है, तो ये लाइफस्टाइल ही अडॉप्ट करना है कि हमें नमक कम खाना है, चीनी कम खानी है। नमक का कितना कम खाना है, एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, तो एक 5 ग्राम है जो कि एक लेवल रिकमेंडेड है कि 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है। तो वो एक्स्ट्रा नमक हमारा कैसे कैसे जाता है हमें उस पे ध्यान करना है। तो आपका 5 ग्राम ही होगा एक दिन में, जो आप घर में सब्जी दाल खाते हैं उसमें ही सिर्फ अगर आप नमक ले रहे हैं तो आपके नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब आप वो खाते हैं ना, मिक्सचर्स खाते हैं, आप बाहर से समोसा खाते हैं या चिप्स खाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गई, इनको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। हम जब सैलड खाते हैं तो उसमें नमक नहीं डालना, उसको ऐसे ही खाना है, ऐसे ही जो कच्चा है उस पर हम कई बार तो काला नमक डाल लेते हैं, कई बार हम उस पर और चाट मसाला डाल लेते हैं या सादा नमक डाल लेते हैं, तो वो नहीं आपको डालना है, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट में आता है। तो 5 ग्राम नमक ऐसे हम लोग नाप के, एक चम्मच में 5 ग्राम ज़्यादातर होता है, तो ऐसे तो कोई भी नहीं, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाउ यू एंश्योर दैट यू आर टेकिंग लेस देन 5 ग्राम्स, वो यही है कि जो एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट है उसको कट कर देना है, उसको नहीं खाना है। ये है कि कभी कभी अगर जैसे कि किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कभी कभी खा लिया तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन जो डेली रूटीन में है उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है। फिर बात आती है डोंट यूज़ टोबैको प्रोडक्ट्स। जब सुबह यहाँ पर इनॉग्रल चल रहा था तो पीछे स्लाइड दिखाई जा रही थी टोबैको के बारे में कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये स्मोकिंग ही नहीं टोबैको में आता है, नॉन स्मोकिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें कि टोबैको होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग पान मसाला खाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं उसके, या कुछ लोग वैसे ही टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो सिर्फ स्मोक फॉर्म हो या नॉन स्मोक फॉर्म हो उन सबसे नुकसान है, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उन लोगों को भी टोबैको, जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं वो अगर आपके आसपास रहते हैं तो उनको भी उतना ही बराबर नुकसान होता है। तो ये एक कानून भी बन गया है टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेंगे,
किसी भी पब्लिक प्लेस में धूम्रपान नहीं करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में, बस स्टॉप पर, स्कूल के बाउंड्री के 100 मीटर के दायरे में, ये सारे के सारे कुछ जगह हैं जहां पर कि ये बिल्कुल वर्जित है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें आपको एक राइट है जिसमें आप उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ स्मोकिंग मत करिए, क्योंकि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन उनकी वजह से आपको भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी स्मोकिंग से नुकसान हो जाता है अगर उनके आसपास के लोग स्मोकिंग करते हैं। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम करें, हम स्मोकिंग चूज करें या हम लाइफ चूज करें। ये इसमें इतने सारे तरह के केमिकल्स होते हैं, जो ये नाम यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतने केमिकल्स हैं इसमें, और इनमें से 200 टोटल केमिकल होते हैं, जिनमें से कि 50 जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। फिर हम आ जाते हैं ई पर, ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम सब लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट जूस ले लेते हैं, कई बार हम लोग मार्केट में अवेलेबल फ्रूट जूस ले लेते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल कैन फ्रूट जूस हैं दे आर नॉट हेल्दी फूड्स। जो आपका फ्रेश फ्रूट है जो आप घर में निकालते हैं दैट इज़ हेल्दी। जो बाहर वेंडर्स निकालते हैं उसमें से कई बार सैंपल्स लिए हैं, उन सब में बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे आपको लूज मोशन या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो सारा दिन प्रोसेस करते रहते हैं ना, और कितनी गर्मी होती है तो वो ह्यूमिडिटी, वो गर्मी, उसमें वहाँ पर शुगर है उसमें, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो जो आप घर में निकालते हैं वो फ्रेश फ्रूट लेंगे और उसमें कुछ नमक या शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक दिन में कितनी बार फ्रूट्स लेना है, कितनी बार वेजिटेबल्स लेना है, जो हमारा रिकमेंडेड है वो है कि 5 serves इन अ डे। दिन में आपको 5 बार या तो फ्रूट या वेजिटेबल लेना है। बड़ा मुश्किल है, 5 बार तो कोई भी नहीं खा पाता, अब ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जब आप दिन में मील ज़्यादातर हम कितनी बार, 5 बार खाते हैं या 4 बार तो खाते ही, हमारे इंडियन में तो हम 4 बार तो खाते ही हैं, सुबह हो गया, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, लंच के बाद शाम को, इवनिंग में, एंड देन डिनर। तो उसमें हमारा हो जाता है 4 बार या 5 बार। तो जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो 5 times की, या तो वो आपके फ्रूट होना चाहिए या वेजिटेबल होना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तो 2 बार वेजिटेबल्स तो आपकी हो गई, उसके अलावा आपको फ्रूट्स लेना है या कोई और, जैसे कि सैलेड भी ले सकते हैं। तो 80 grams का एक फ्रूट, एक सर्व होता है एक दिन में, 80 grams मतलब कि 80 grams दिन में 5 बार। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इवन इफ अगर आप दो बार फ्रूट लेते हैं तो आप 3 बार वेजिटेबल्स लीजिए। तो 5 serves इन अ डे, दैट्स मेक योर डाइट हेल्दी। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इवन यू कैन हैव स्प्राउट्स ऑल्सो, स्प्राउट्स इज ए हेल्दी फूड। तो उस तरीके से आप अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं ये आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो लास्ट एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, हाउ मच रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि होना चाहिए, जो आप अपने आप से भी पता लगा सकते हैं। और एक होता है वेस्ट हिप रेशो, जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI, उसके इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नॉर्मल, प्री ओबेज एंड ओबेज 3 categories हैं। उसको निकालने के लिए आपको अपना वजन पता होना चाहिए किलोग्राम में, और आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए मीटर्स में। तो आपका जो किलोग्राम में वजन है उसको हाइट को स्क्वेयर करके, यानी कि हाइट को डबल करके उसे डिवाइड कर दीजिए, फिर आप देखिए अगर वो 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल हैं। अगर उससे ऊपर आता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर ये रिस्क है कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आप अटैक कर सकते हैं। प्री ओबेज है, ये एक वो कंडीशन होती जिसमें कि आपको एक सिग्नल मिल गया कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक्ट करना है कि अपने वेट को नॉर्मल लाना है। हाइट का तो कुछ नहीं कर सकते हम, व्हाट वी कैन डू इज ओनली विद द वेट। तो आप वेट को रिड्यूस करें और ओबेसिटी में ना पहुँचे। एंड वेस्ट हिप रेशो, ये इससे भी ज़्यादा बेहतर सेंसिटिव इंडेक्स है,
जो बहुत उससे BMI से भी पहले आपको बता देता है कि आप ओबेज हो गए हैं, आप में NCD का रिस्क है। तो मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है, जो विमेन में होता है वो 0.8 है और मेल में होता है 0.9। तो इसमें आप अपनी जो वेस्ट सरकमफेरेंस है उसको किसी में भी सेंटीमीटर इंचेस किसी में भी मेजर कर लीजिए, क्योंकि ये तो रेशियो है। वेस्ट को नापेंगे जो आपकी नाभि होती है वहाँ पर, ठीक है, और हिप, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 0.8 से कम है फीमेल में तो आप नॉर्मल हैं, मेल में अगर 0.9 से कम है तो नॉर्मल है। ये उसका एक वो है, बॉर्डर लाइन है कि इससे ऊपर आ गया तो आप में रिस्क है, या अगर बिल्कुल उस पर ही आ गया, 0.8 आ गया, 0.9 आ गया, तो इसका मतलब है कि आप में रिस्क फैक्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये हमेशा उनसे कम ही होना चाहिए। फिर एक प्रैक्टिस और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो आपको डेली करनी है। जब आप ऑयल खरीदते हैं घर में, जब कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो जब आप जब भी डीप फ्राई करते हैं, ज़्यादातर किसी के गेस्ट के आने पर या कोई स्पेशल ओकेजन पे हम कुछ भी तल के बनाते हैं, तो उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना है। जो वो फैट उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर आजकल, ये तो रिफाइंड ऑयल तो ज़्यादातर घरों में वही प्रैक्टिस करने लग गए हैं, यूज़ करने लग गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको बार बार बॉयल करते हैं, उसको जब तेल को गर्म होता है, तो वो आपका उसमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ट्रांस फैट बैड फैट होती है, जो कि बॉडी में जाने के बाद में फिर वो जमती ही है, वो बाहर निकलती नहीं है। इसलिए आपने जो एक बार उसको यूज़ किया तो सेकेंड टाइम उसको यूज़ नहीं करना है। आप इसमें ये तो है कि उसको कैसे फेंक दें, है ना, लेकिन आपको उसमें अपने आप को देखना है कि हमें हेल्थ फर्स्ट या बाकी और चीज़ें पहले। बाहर की जब चीज़ें, जब समोसा ब्रेड पकोड़ा या जो भी तला हुआ बाहर बनता है, वो इसीलिए ज़्यादा ख़राब होता है कि उनका तो पता नहीं कितने कितने दिन तक उसी कढ़ाई में, वो कढ़ाई भी साफ नहीं होती है, वो साइड में बहुत जम जाता है। आपने देखा वो काला काला जो जमा हुआ होता है, कितना स्टबर्न होता है, उसको जब साफ़ करते हैं तो वो साफ़ भी नहीं होता है। ये वही वाला फैट ऐसे ऐसे जम जाता है बॉडी पे, जब आप कितनी एक्सरसाइजेस कर लें वो ट्रांस फैट नहीं निकलता है। जब हम फूड पैकिंग्स भी खरीदते हैं ना, आजकल हर एक पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ आता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसमें हमेशा देखें ट्रांस फैट्स। इवन जब आप ऑयल खरीदते हैं तो उसमें देखिए ट्रांस फैट्स वो हमेशा जीरो होना चाहिए। किसी किसी पर होता है लेस दैन 0.5 ग्राम्स, लेस दैन 0.01। आप वाले प्रोडक्ट्स नहीं लीजिए जिसमें जीरो है, आप वही लीजिए। तो ये है कि कुछ फैट्स अभी भी मार्केट में मैंने देखे हैं, आई एम नॉट नेमिंग, जिनमें कि ट्रांस फैट अभी भी आ रहा है, लेकिन आप इसके लिए जागरूक बनिए और अपना जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उसको हमेशा हेल्दी चीज़ें ही खरीद कर लाइए। आप